हेलो एवरीवन, मैं सरिता, लखनऊ ब्लॉगर सरिता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ में कुछ नई रेसिपी शेयर करने वाले हैं चावल से। तो चावल से हमने कुछ दिन पहले बनाई थी कुड़लई। कुड़लई बोलते हैं, कुछ लोग कचरी भी बोलते हैं उसको, चावल की कचरी, जो कि स्टोर करके आप सालों साल उसको चला सकते हैं, सालों साल यूज कर सकते हैं। तो एक बार बना लीजिए और साल भर उसको जब मन हो तब यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चों को भी पसंद आती है। और चाय के साथ हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, तो वही हम आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बनती हैं। तो चलिए, हम कैसे बनाते हैं, कैसे बनाई थी मैंने, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग अगर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पास में बेल आइकन बटन दिख रही होगी, उसको प्रेस कर दीजिएगा, और जिससे कि हम जो भी न्यू वीडियो डालेंगे ना, उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएगी, तो आप लोग हमारी आसानी से वीडियो देख सकते हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो ऐसे अगर आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही सफ़ेद आप लोगों की कचरी तैयार होंगी। तो चलिए दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, चावल को मैंने यही नॉर्मल से चावल हमने ले लिए हैं, जो भी हम घरों में यूज करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि ये चावल चाहिए, जो भी आपके पास हो उनको आप भिगो दीजिए दो तीन दिन, और पानी बदलते रहिएगा, दो तीन दिन कम से कम भिगोइएगा तो बहुत अच्छी बनेगी। तो हमने तीन दिन भिगोया है इसको और पानी से कई बार धुल लिया है। और इधर अब हमने भगोने में पानी चढ़ा दिया है और पानी गर्म हो चुका है। अब हमने डाल दिया है नमक। नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि जब सूखेगी तो ज़्यादा हो जाएगा नमक, इसलिए कम ही नमक यूज़ करेंगे। तो पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, देखिए भाप छोड़ने लगा है। अब यही जो चावल हैं वो हम इस भगोने में डाल रहे हैं, तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा। जैसे कि चावल हम घर में नॉर्मल बनाते हैं उससे गीले ही चावल चाहिए हमें, और पकाना है अच्छे से। तो ये सारे चावल हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से चलाते रहेंगे, नहीं तो ये गुठलियाँ टाइप की पड़ जाएंगी, तो इसलिए चलाना ज़रूरी है। तो देखिए, हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे और पकने देंगे, ढक के पकाएंगे। तो देख सकते हैं थोड़ा सा ये चावल हमारे जो हैं वो पकने लगे हैं। तो पानी भी देखिए थिक हो चुका है, तो अभी हमको और पकाना है। तो हम बीच बीच में देखते रहेंगे, चलाते रहेंगे। तो अच्छे से ये देखिए चावल हमारे पकने लगे हैं, और जब कई पानी में कई दिनों तक भिगोते हैं तो बहुत ही सफ़ेद ये चावल हमारे बनकर तैयार होते हैं। और पानी बदलते ज़रूर रहेंगे, नहीं तो बदबू आने लगती है जब भिगोते हैं चावल। तो ये देख सकते हैं चावल हमारे पक चुके हैं लगभग, तो अच्छे से गल गए हैं। तो इनको गलाना बहुत ज़रूरी है, जितना अच्छे से पकाएंगे उतने ही अच्छी हमारी ये कचरी तैयार होगी। तो अब हमारे ये चावल अच्छे से पक चुके हैं, तो इनको हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको थोड़ी देर ढक के रख देंगे। तो हमने ढक दिया है इनको, तो अब हमने फ्लेम को कर दिया है ऑफ। अब हम आ गए हैं छत पे, तो छत तेज़ जब दोस्तों धूप हो तभी आप ये रेसिपी बनाइएगा। तो बहुत तेज़ धूप है तो भी मैं छत पे आई हूँ, और पन्नी पॉलीथीन मैंने मार्केट से ले ली है, उसको फैला दिया है और कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। अब मैंने ये मशीन ले ली है, ये मशीन जो है ये पीतल में भी आती है और स्टील में भी आती है। तो इसमें कई देखिए जाली होती हैं कई तरीके की बनने के लिए, तो जिस तरीके की चाहते हैं उस तरीके की आप बना सकते हैं। तो ये छेंद वाली जो जालियां हैं, ये एक बहुत पतली भी आती है और एक थोड़ी मोटी आती है, तो ये हम मोटी वाली यूज़ कर रहे हैं, तो यही वाली हम यूज़ करेंगे। तो अब हम इस जाली पे थोड़ा सा तेल लगा देंगे। तेल लगाने के बाद अब इसमें भी हम लगा देंगे, इस ग्लास में तेल लगा देंगे, ये जो मशीन है इसमें भी तेल लगा दिया। अब हम इस जाली को इसी में देंगे डाल। तो हमें हल्का सा गर्मई गर्म चावल यूज़ करना है दोस्तों, ज़्यादा ठंडा नहीं होने देंगे। तो अगर ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से निकल नहीं पाते हैं मशीन से। तो देख सकते हैं ये गर्म ही है चावल, तो छोटे चम्मच की सहायता से इसमें हम चावलों को भर देंगे। जितना आए चावल उतना आप भर दीजिए। तो ऐसे हमने चावल
भर दिए हैं धीरे धीरे जितने आ गए हैं। तो ये देख सकते हो किनारी पे ऐसे हम पोंछ देंगे, नहीं तो बार बार ये मशीन में चिपक जाता है, तो इसलिए पोंछ दिया है। अब मशीन को ऐसे लगा देंगे और ढक्कन को ऐसे धीरे धीरे कस देंगे अच्छे से। बहुत ही आसानी से अकेले ही बन जाते हैं ये, और बहुत मज़ा भी आता है बनाने में, हमें तो बहुत मज़ा आता है इसलिए हम बनाते रहते हैं। तो अब हमारी मशीन जो है वो फिट हो चुकी है, इसमें भर भी गया है और अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी गर्म है तो ये कपड़ा हम इस पे लगा लेंगे मशीन पे, अब इसको पकड़ लेंगे और इस हैंडल को घुमाते रहेंगे। ये देख सकते हैं, देखिए कितनी आसानी से निकलने लगे हैं। तो ऐसे ही गुच्छे टाइप के हम बना लेंगे, क्योंकि ये पतली वो है तो इसलिए हम गुच्छे टाइप के बना रहे हैं। गुच्छे जब हम सूख के जब तलते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे ही फटाफट हम सारे ये कचड़ी बना लेंगे, या कुड़लई भी आप लोग बोल सकते हैं, कुड़लई कहीं कहीं कुड़लई बोलते हैं, कहीं कचड़ी बोलते हैं, सब लोग अपने अपने नामों से पुकारते हैं। तो इस तरह से हमने देखिए ये सारी कचड़ी हम ऐसे ही बना लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग सारी कचरी हमारी बन चुकी हैं, और देखिए कितनी एक भगोने में कितनी सारी ये बनकर तैयार हो गई हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और पन्नी के आसपास मैंने ईंटा रख दी थी जिससे कि हवा वगैरह अगर आएगी तो उड़ेगा नहीं। और अब इसमें जो चावल वगैरह लगे हुए हैं भगोने में, इसमें हम पानी डाल देंगे, पानी भर के रख देंगे तभी ये भगोना हमारा छूटेगा। तो अब देख सकते हैं आधी पहर हो चुकी है, मतलब आधा दिन हो चुका है तब मैं दिखा रही हूँ वीडियो से। तो ये अधसूखी हो चुकी हैं, तो अब हम इनको कचड़ी को पलट देंगे। जब आधी सूखी आधी गीली हो जाती हैं तो ऐसे आसानी से उधड़ जाती हैं, तो इनको हम ऐसे ही पलट देंगे। और जब पलट देंगे तब ये जो कच्चा रह गया है ये भी अच्छे से सूख जाएगा। तो कोशिश करिए सुबह सुबह बनाइए। तो आप देखिए ये हम दो दिन सुखाए हैं, अच्छे से सूख चुकी हैं ये कचरी हमारी, तो बहुत ही अच्छे से सूख चुकी हैं। तो अब हम तल के आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो अब हमने कढ़ाई में चढ़ा दिया है तेल, तो ये हमारा तेल जो है सोयाबीन का तेल है, तो वही हम यूज कर रहे हैं। तो इसको अच्छे से गर्म होने देंगे, अगर ठंडा रहेगा तो हमारी कचड़ी जो है फूलेंगी नहीं अच्छे से, तो इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से गर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम एक एक दो दो मतलब तीन तीन चार चार कचड़ी ऐसे ही डाल देंगे। देखिए कितना बड़ा साइज हो रहा है, अच्छे से फूल रही हैं, और इसमें हमने कोई बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, तब भी देखिए कितनी अच्छे से फूल रही हैं। तो ऐसे अगर इस विधि से बनाएंगे तो बहुत ना बेकिंग सोडा डालना पड़ेगा ना कुछ, और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। तो देख सकते हैं कितना बड़ा साइज़ हो गया है इनका। तो अब हम ऐसे ही इनको निकाल लेंगे, और जितनी खानी हो उतनी आप गर्म गर्म तलिए। तो अब हम दूसरा बैच डाल रहे हैं। तो ऐसे ही सारी कचड़ियों को हम भून लेंगे, और देखिए कितनी सफ़ेद बनकर तैयार हुई हैं, बहुत ही खाने में टेस्टी लगती हैं। बच्चों को चाय में तो बहुत ही पसंद आती हैं, चाय में डुबो के खाते हैं चम्मच से निकाल निकाल के, तो बहुत ही मज़ा आता है, हम लोग भी खाते हैं। तो देख सकते हैं ये कचड़ी हमारी बनकर रेडी है, कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट और बहुत ही सफ़ेद भी हैं, अच्छे से फूल भी चुकी हैं। और इनको ऐसे ही किसी डिब्बे में स्टोर करके रख लीजिए, और साल भर तक आप यूज कर सकते हैं। और जब नम हो जाए तो धूप में दिखा दीजिए, मतलब सुखा लीजिए, तो ये सालों साल चलेंगी। तो आप भी ऐसे ही चाय के साथ एंजॉय करिए। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अब हम आप लोगों को तोड़ के दिखा रहे हैं, देखिए कितनी सॉफ्ट कुरकुरी हमारी कचड़ी बनकर तैयार है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। अगर दोस्तों हमारे वीडियो को पहली बार आप लोग देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और पास में दिख रही बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा,
जिससे कि हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं।